अच्छा हूं। अगर वहां कुछ प्रॉब्लम है, रिश्ता इंसान की रिश्ता है, रिश्ता इस मुल्क का रिश्ता है। और ये देश किसी नेता या किसी पार्टी के बाप के पैसे से नहीं चलता। माला जो है सो तुम माला लेके जाओगे ना तो मुंह मत देखना, पैर देखना है। और कुछ लोग बात करने तैयार है, सच है ये पार्टी जीतेगा वो पार्टी जीतेगा देख के हम बैठेंगे नहीं। देखो खेना कैसे लड़ रहा है, बड़े बड़े नायक हैं जो कुपुत्र लोग हैं ना, आते हैं बड़ा बड़ा मीटिंग लगाते हैं, 2-3 लाख लोग आते हैं। हम सबको पता है कैसे आते हैं 2-3 लाख लोग, लारियों में ले आते हैं, पैसे देते हैं, बिरयानी के पैकेट देते हैं। उनको तो शर्म नहीं है, जो पैसे दे के लेके आते हैं उनके सामने हाथ पांव हिला के भाषण करते हैं। और लोग वो समझते हैं उल्लू एक टीवी के सामने बैठ के, अरे कितने लोग, बट कन्हैया को ये जरूरत नहीं है। कन्हैया लोगों के साथ बात करता है और जो कन्हैया को चाहते हैं हम भी आपस में ऐसे बैठ करके बैठ के बात करें। एक बात याद रखनी, मेरा हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम है फिर भी आप मेरा दिल की बात समझ लेंगे। ये चुनाव जो है, इस चुनाव में कोई नेता या कोई पार्टी जीतता नहीं है और हारता भी नहीं है। अगर हम नहीं चुनते हैं तो हम लोग हारते हैं, जब सही चुनते हैं तो हम जीतते हैं। तो लड़ाई हमारी चुनाव है, हमको जीतना चाहिए हमारा भविष्य के लिए, योजनाओं को भविष्य के लिए, बच्चों का भविष्य के लिए हमको जीतना चाहिए। मैं आ चुका हूं, मेरा जिम्मेदारी तो मैं कर रहा हूं। यहां जो लोग इकट्ठे हुए हैं आप लोगों का वोट ही नहीं, आप जाइए माँ बाप से बैठ के बात कीजिए, बड़ों से बात कीजिए, परसों से बात कीजिए, योजना जो है आप भी बात कीजिए कि हर आदमी का वोट एक बदलाव के लिए चाहिए, आगे जाने के लिए चाहिए। फिर से आखिरी बात, मैं आपके सामने इतने दूर सिर्फ एक भीख मांगने आया हूं कि देश के लिए, सिर्फ बेगूसराय के लिए नहीं, देश के लिए कन्हैया जैसी आवाज को जिताइए।